गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको पीजीडी से बीसीए का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब जिस ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कंप्यूटर को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की दी जाएगी कि उसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज की जाती हैं। और इसी के साथ साथ आपको पता जाएगा कि कंप्यूटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर की इतिहास कहाँ से है, कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, कंप्यूटर के नुकसान क्या हैं, सब इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की अपनी जानकारी पड़ेगा। उसी के अंतर्गत दूसरे सिलेबस से आपका टॉपिक है क्या, पर्सनल कंप्यूटर। तीसरा टॉपिक है आपका क्या, एक्सेस करने के लिए उसमें टेबल करने के लिए अपन लोग कैसे तैयार करते हैं, कैसे नहीं करते, उसमें इनपुट और आउटपुट क्या। फोर्थ टॉपिक है क्या आपका, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का होती है जो अपन डेटा को दे रहे हैं। और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट अगला टॉपिक है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो आपको डेटा में आंसर मिल रहा हो या फिर कोई किसी चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहा हो। इसी आपके अगला टॉपिक क्या रहेगा आपका, सॉफ्टवेयर के मूलभूत अधिकार। मतलब आपके सॉफ्टवेयर कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें जरूरत नहीं पड़ती। अगला उसके बाद पड़ता है क्या टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है जिस पे आप सॉफ्टवेयर पे काम करते होंगे, कोई सा भी विंडोज का इंडायरेक्टली पे विंडोज भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद वाला टॉपिक होता है क्या आपका, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि जिसके द्वारा आपको कंप्यूटर की फुल इन्फॉर्मेशन, कैसे वो डेटा लेता है, कैसे डेटा को एक्सेस करता है, सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद उसके डेटा निरूपण एवं प्राइमरी अंक गणित, ये टॉपिक है। उसके बाद है आपका क्या, वायरस। उसके बाद वाला टॉपिक है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद है नेटवर्किंग। उसके बाद है लास्ट टॉपिक इंटरनेट। ये आपके सिलेबस के मेन मेन टॉपिक हैं जिन पे आप अपने स्टडी करेंगे और यही आपका पूरा सिलेबस है। अब पहला टॉपिक है कि आपका व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर को जाने। उससे पहले इसी के अंदर पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं अपन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें अपन लोग कोई सा भी लॉजिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिकल मतलब प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा माप, किसी भी तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। और लॉजिकल मतलब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ अपन एट ए टाइम पे क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। उनको ही अपन क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। अब इसमें इन सभी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के लिए परिभाषा ही बोल सकते हैं, परिभाषा कंप्यूटर की डेफिनेशन भी। अब इसका देखा जाए तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर किस किस COMPUTER। सी का मतलब क्या होता है, कॉमनली। ओ का मतलब ऑपरेशन कर। और एम का मतलब होता है क्या, मशीन। और एम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको मशीन। और पी का मतलब, एनी आइडिया, नो। तो पी का मतलब होता है क्या, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। और यू का मतलब यूज फॉर। टी का मतलब होता है क्या, टेक्निकल। ई का मतलब एजुकेशन। और आर का मतलब रिसर्च। टेक्निकल और आर का मतलब, ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब रिसर्च। मतलब इन सब चीज़ों से मिलते क्या बना हुआ, कंप्यूटर। और कंप्यूटर का अगर देखा जाए तो इसको अपन हिंदी में बात की जाए तो आम तौर पर और ओके मतलब क्या हो सकते हैं, अपने संचालित मतलब ऑटोमेटिकली संचालित होता रहता है करते हैं। और एम का मतलब क्या है, इंग्लिश में हिंदी दोनों मतलब एक का मतलब क्या, मशीन। और पी का देखा जाए तो विशेष रूप से, पर्टिकुलर को क्या बोल सकते हैं अपन, विशेष रूप से। और यूज फॉर मतलब प्रस्तुत करने के लिए यूज किया जाता है। और की का मतलब है क्या, टेक्निकल। टेक्निकल मतलब क्या, तकनीकी। और की फॉर एजुकेशन, एजुकेशन को क्या बोलते हैं, अनुसंधान में भी यूज
करते हैं अपन, मतलब कंप्यूटर अपने एक ऐसा टॉप पार्ट है जिसमें अपन किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपने एजुकेशन हो, चाहे अपना वो रिसर्च में हो, चाहे शिक्षा के तौर पर हो, चाहे डेली के काम भी किसी के तौर पर अपन यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के भी अपन ने फुल फॉर्म पढ़ लिया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब अपन देख लिया था कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर से कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन अगर बनाई जाए तो कंप्यूटर क्या बनेगा, हिंदी में बनेगा, आम तौर पर संचालित मशीन को विशेष रूप से कोई चीज प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी, टेक्निकी और अनुसंधान केंद्र में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए तो बेसिक सब क्या बन रहा है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन को डेली पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके साथ साथ अपन देखा जाए तो रिसर्च में भी यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, और किसी चीज़ तकनीकी में भी यूज़ कर रहे हैं। और अगर कहीं आपको जाना है, फ्लाइट पे जाना है कि ट्रेन में जाना है कि बस में जाना है, उन सब के रिजर्वेशन का भी, टिकट बुकिंग करने के लिए भी यूज़ कर रहा है। और इसके बाद कुछ चीज़ अगर आपको सर्च करना है तो भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, और उसी के साथ साथ जो आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो उसी को पढ़ने के लिए भी आप किसका यूज़ किया जा रहा है, कि आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज की किस पे चल रही है, आपकी मोबाइल पे चल रही है, मोबाइल किस पे चलता है, कंप्यूटर पे। अब देखा जाए तो कंप्यूटर को क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अपन पहले क्या हो सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब वो उसमें डेटा कितना डेटा स्टोर हो सकता है, बहुत हाई क्वालिटी का डेटा अपना स्टोर हो सकता है। और उसी के साथ साथ उसमें इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अपन अगर कहीं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, मतलब कहीं भी दुकान पे जाते हैं, उधर अपने बिल करने का काम होता है कि अपन ने कोई सामान लिया, जैसे सामान के तौर पे क्या मान के चलो अपन ने बिस्किट लिया, और एक अपन ने लिया क्या तेल, इन सब का बिल भी उसमें करा गया, इसका डाल दिया गया 10 रुपये और इसका डाल दिया 5 रुपये, कंपनी का बिल का 15 रुपये और GST लगाते हुए और कुछ नहीं लगाते हुए 18 रुपये। और ये सब अपने कैसे करो, कंप्यूटर से, कंप्यूटर का मतलब कैसे काटा उसने कि प्रॉपर उसके पास सॉफ्टवेयर, उसने पूरा डेटा का पूरा उसने अपनी दुकान का पूरा डेटा अपने किस में डाल दिया, कंप्यूटर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद उस डेटा को क्या करा उसने एक्सेस किया, और उसके बाद दुकान पर आ पाए, दुकान पर आ पाए तो उसने आपने जो जो सामान लिया, जैसे आपने जो लिया एक बिस्किट दिया और एक टेस्ट दिया, उसमें उसने कुछ चीज़ें टैक्सेस भी पे किए होंगे, तो उन सब टैक्सेस के साथ उसने जो डेटा दिया आपके लिए 18 रुपये, लेकिन उसी टैक्सेस को प्रॉपर उसने एक सिक्वेंसली डेटा को क्या किया, प्रॉपर अरेंज करके रखा होगा कि कितना सामान मेरे पास आया, कितना सामान गया, कितना सामान की इन्फॉर्मेशन उसके पास, सब कुछ इन्फॉर्मेशन में उसके सिस्टम में सेव कर लिया उसने। इसलिए ये तो होगी अपनी एक बेसिक दुकान की। और अगर देखा जाए तो एजुकेशन, एजुकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको कुछ चीज़ सर्च करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आती तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, YouTube पे भी देख सकते हो, उसी के साथ साथ आप देखना चाहो तो आप उसकी फाइलें भी ओपन करके देख सकते हो, उसका मतलब क्या है, वही सब इंफॉर्मेशन किसके अंदर आती है, कोई चीज़ सर्चिंग करना, देखना, सब कुछ आती है किसमें आपको, कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर में एक चीज़ नहीं है, कंप्यूटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी के साथ अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में देता हूँ। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर भी पूछ लो, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा, और आगे आपको उस चीज़ को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर अच्छी वीडियो लगी तो अच्छी बात।